लोकसभा चुनाव के बाद अब यूपी में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आदेश होगा तो उपचुनाव लड़ने में कोई हर्ज नहीं है, वो आदेश का पालन करते हुए उपचुनाव लड़ेंगे, मना नहीं करेंगे। पूर्व सपा सांसद ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनसे रामपुर लोकसभा लड़ने के लिए कहा था। उस समय पूर्व मंत्री आजम खां के लिहाज के चलते रामपुर से लड़ने से मना कर दिया था, जबकि आजम खां ने ही उनके टिकट को कटवाया था। वो लोकसभा चुनाव समाप्त होने पर दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई देने के लिए गए थे, लेकिन उपचुनाव के मुद्दे पर अभी चर्चा नहीं हुई है। मुरादाबाद जिले में कुंदरकी विधानसभा खाली होने वाली है, क्योंकि यहां के विधायक जियाउर रहमान बर्क संभल लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हो गए हैं। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार में एक भी मंत्री मुस्लिम समाज से नहीं है। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर हुए चुनाव के दौरान सपा ने पूर्व सांसद एसटी हसन का टिकट काट कर उसे रुचि वीरा को दे दिया था। इस सीट पर रुचि वीरा ने भाजपा के सर्वेश सिंह को हराया था। उधर कुंदर की विधायक जियाउर रहमान बर्क को सपा ने संभल से चुनाव लड़वाया था, इसमें वो विजयी रहे थे। जियाउर रहमान बर्क के सांसद चुने जाने के बाद कुंदर की विधानसभा से उपचुनाव होगा। ऐसे में हसन ने कहा कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, इसके लिए पार्टी की सहमति होनी चाहिए। संभल लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए जियाउर रहमान वर्क ने कुंदर की विधानसभा क्षेत्र के विधायक पद से इस्तीफा मंगलवार को दे दिया है। ये जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की। अब वो एक पद से मुक्त हो गए हैं। मतगणना के बाद जारी हुई अधिसूचना के आधार पर 14 दिन के अंदर एक पद से इस्तीफा दिया जाना था। सांसद जियाउर रहमान वर्क ने बताया कि मंगलवार को उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया है, जो मंजूर हो गया है। मालूम हो जियाउर रहमान वर्क साल 2022 में कुंदर की विधानसभा क्षेत्र से सपा के टिकट पर विधायक बने थे। सपा ने इस बार संभल लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर शकीकुर रहमान वर्क को प्रत्याशी बनाया था। बीमारी के चलते डॉक्टर वर्क का निधन हो गया। उनके निधन के बाद पार्टी ने डॉक्टर वर्क के पोते जियाउर रहमान वर्क को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा और उन्हें जीत भी मिल गई।